15 जून की रात पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में हुए हिंसक झड़प वाली जगह से चीन ने अपने कुछ सैनिक और वाहन अग्रिम मोर्चों से पीछे हटा दिए हैं। समाचार एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख सीमा पर तनाव कम करने के लिए 22 जून को कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई थी। इस बैठक में चीन ने वास्तविक नियंत्रण सीमा यानी LAC पर तैनात अपने जवानों को पीछे हटाने का आश्वासन दिया था, जिसके तहत ही चीन की अतिरिक्त सेना और वाहन गलवान इलाके से महज 1 किलोमीटर पीछे हटी है। वहीं सैन्य और कूटनीतिक बातचीत के बीच चीन भारतीय सीमा पर अपनी सेनाएं बढ़ा रहा है। चीन ने सिर्फ पूर्वी लद्दाख में ही नहीं बल्कि उत्तरी लद्दाख में भी भारतीय दावे वाले इलाके में घुसपैठ की है। हालांकि इस बारे में सेना की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में आई सैटेलाइट इमेज से पता चलता है कि डेप्सांग सेक्टर में भी चीनी सेना की उपस्थिति देखी गई है। यहां चीन से कुछ स्थायी निर्माण के साथ ही टेंट भी लगा लिए हैं, साथ ही 2 सड़कें भी बनाई हैं। उत्तरी लद्दाख में घुसपैठ में खुलासा चिंताजनक है। सूत्रों का कहना है कि ये तस्वीरें जून महीने की हैं। चीनी सेना की हलचल को देखते हुए इस इलाके में बड़े पैमाने पर भारतीय सुरक्षा बल मौजूद है। डेप्सांग सेक्टर दौलत बेग उल्टी से पूर्व की दिशा में है और लद्दाख का ये उत्तरी इलाका है। डेप्सांग का इलाका रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। यहाँ वास्तविक नियंत्रण रेखा स्पष्ट नहीं है और 20 किलोमीटर इस क्षेत्र पर दोनों देशों के अलग अलग दावे हैं। इस इलाके में दोनों देशों की सेनाएं पेट्रोलिंग करती हैं और समझौतों के तहत किसी को भी स्थायी निर्माण करने की अनुमति नहीं है। चीन ने निर्माण कर समझौते का उल्लंघन किया है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक हाल के दिनों में चीन की तरफ से इस इलाके में भारत की पेट्रोलिंग पार्टी की राह में भी बाधा पहुंचाई गई है। एक तरफ चीन सीमा पर तनाव कम करने के लिए भारत के साथ सैन्य और कूटनीतिक वार्ता कर रहा है, तो दूसरी तरफ पेंगोंग सो, गलवान घाटी और अन्य संघर्ष बिंदुओं पर अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो इस बातचीत का इस्तेमाल वक्त खरीदने के लिए कर रहा है ताकि वो सीमा पर अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा सके। गौरतलब है कि 15 जून को घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए थे। इसमें चीन के भी 40 से अधिक सैनिक हताहत हुए, लेकिन चीन ने इसे आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया है। वहीं पिछले कुछ दिनों से चीन गलवान घाटी पर दावा कर रहा है, लेकिन भारत इसे ऐसा दावा बता रहा है जिसमें कोई तथ्य नहीं है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।